गाइस, वंस अगेन वेलकम टू श्यामास मेकओवर चैनल। और आज मैं आपको कुछ स्पेशल चीज़ें दिखाना चाहती हूँ कि जैसे कभी आपने कई बार ही देखा भी होगा, जो हम लोग जो चीज़ें देखते हैं और वो चीज़ें इतनी खूबसूरत होती है, लेकिन उसके अंदर की जो इंटरनल जो चीज़ें होती है वो हमें नहीं पता होता। जैसे मैं बात करना चाहती हूँ एशियन पेंट के बारे में। जैसे आपने टॉपिक में टाइटल में देखा है एशियन पेंट के बारे में कि कंप्यूटराइज एशियन पेंट कैसे होते हैं। जैसे आप मेरा वॉल देख सकते हैं, ऑरेंज कलर वॉल है। सेम वे मैं आपको दिखाना चाहती हूँ फ्रेंड्स। अभी मैं बहुत ही जल्दी एक जगह में, एक न्यू प्लेस में शिफ्ट कर रही हूँ। एक जगह से दूसरे जगह में जाना इट्स नॉट ईजी, बट या आई रियली वॉन्ट टू टेल यू वन थिंग फ्रेंड्स कि यू नो, जब भी मैं कभी भी शिफ्ट होती हूँ, आई रियली वॉन्ट माई रूम टू बी वेरी डेकोरेट एंड वेरी ब्यूटिफुल माई रूम, यू नो। तो इसीलिए मैं आपको आज एक खूबसूरत सा चीज़ें दिखाना चाहती हूँ कि जब कभी हम शिफ्ट करते हैं एक जगह से दूसरे जगह, तो बेसिकली क्या होता है कि हम वो खाली वो वाइट वाइट पेंट पसंद नहीं करते हैं। वी ऑफकोर्स वी वांट सम कलरफुल यू नो वॉल और द ब्यूटीफुल कर्टन्स और एन ऑल। उसे काफ़ी सुंदर लगता है जहाँ भी हम रहते हैं। एटलीस्ट सारा दिन थक के जब हम घर में आते हैं, उस वक्त ऐसा लगता है कि वाह, हमारा रूम थोड़ा ब्यूटीफुल होना चाहिए, जिससे कि घर में घुसते ही वाह इतना रिलीफ मिलना चाहिए ना। तो मैं टॉपिक है कि एशियन पेंट के बारे में बात करना चाहती हूँ, और आज मैं आपको कुछ चीज़ें दिखाना चाहती हूँ कि लेट्स से कि ऑरेंज कलर वैसे क्या होता है, कि ऑरेंज कलर कैसे बनता है। अगर मैं आपसे बात करती हूँ, जैसे मैं हेयर ड्रेसर हूँ, जैसे आप सबको पता है ऑरेंज कलर कैसे बनता है। जी हाँ, मैं आपको बताना चाहती हूँ, येल्लो के अंदर थोड़ा सा जब आप रेड मिक्स कर दोगे तो वो ऑरेंज कलर क्रिएट हो जाएगा। जैसे कि आप मेरा ये वॉल देख सकते हो, ऑफकोर्स जब मैंने इस वॉल को ऑरेंज पेंट कराया था, कैसे किया उस पेंटर ने, मैंने सिर्फ उस पेंटर को बोल दिया था कि आई वांट दिस कलर, तो उसने पूरा पेंट कर दिया। लेकिन आज अब जब नेक्स्ट घर में जब मैं शिफ्ट हो रही हूँ, वहाँ पे मैंने ऐसे नहीं किया, वहाँ पे मैंने क्या किया फ्रेंड्स, मैं बताना चाहती हूँ। आई वेंट टू एशियन पेंट, जो हार्डवेयर की शॉप है, वहाँ गई। जाने के बाद मैंने खुद अपनी आँखों से क्या देखा कि वाह, कलर कैसे बनता है। एंड सच में बता रही हूँ फ्रेंड्स कि कई बार क्या होता है, जब हम कोई चीज़ें देखते हैं ना अपनी आँखों से, बहुत अट्रैक्टिव लगती है और हम बहुत खुश हो जाते हैं। तो मुझे वो खुशी मैंने सोचा आप लोगों से शेयर करती हूँ, और आप लोगों को दिखाना भी चाहती हूँ कि कैसे एक पेंट को किस तरह से मिक्स करते हैं, और कंप्यूटराइज कैसे, कंप्यूटर से सिलेक्ट किया हमने कलर को, और कैसे मशीन में बना और कैसे वो कलर निकल के आया। तो आप देखना चाहते हो तो चलिए लेट्स गेट इन द वीडियो। एशियन पेंट्स कलर वर्ल्ड, श्री बालाजी पेंट्स इन सरलाजा, साकेत मेट्रो स्टेशन, नियरेस्ट साकेत मेट्रो स्टेशन। जी हाँ, ये साकेत मेट्रो स्टेशन के एकदम नियरेस्ट है। एंड नाउ आई एम गोइंग टू एंटर इनसाइड। जी हाँ, मैं अंदर जा रही हूँ। और जैसे कि आप जानते हैं कि हार्डवेयर में काफ़ी सारी चीज़ें होती है, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, लेकिन ठीक है, वो ओके था मेरे लिए। बट जब मैंने ये मशीन देखा एशियन पेंट्स कलर वर्ल्ड, ओ माई गॉड, मैं तो बहुत खुश हुई। मैंने कहा वाह यार, इस तरह से कलर बनता है। तो चलिए देखते हैं। अभी आप मुझे बताइए कि आप कौन सा शेड यूज़ कर रहे हैं और कौन सा कलर मिक्स करके आप ये वाला शेड क्रिएट करेंगे। हम एशियन पेंट का कलर बना रहे हैं। ठीक है, डबल 2 3। अच्छा, क्या है सी, देखो मैं एक बार। ये देखो आप, एक्स, अच्छा ये शेड है एग्जैक्टली। हाँ जी, एक्स 223, ये है आमला ग्रीन कलर, राइट? हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, सो फ्रेंड्स बेसिकली मैं अपने वॉल का जो कलर है वो आमला ग्रीन कलर कर रही हूँ। तो इसके लिए अभी हम देखेंगे कि इस कलर को किस तरह से क्रिएट करते हैं। तो लेट्स गेट इन द वीडियो। ये है एशियन पेंट्स, ये कलर हम कर रहे हैं एपेक्स एडवांस। एशियन पेंट्स एपेक्स एडवांस कलर है। ठीक है, ये बॉक्स अब आप ओपन कीजिए। ठीक है, ये आपने ओपन किया, ये है येलो कलर, ये येलो बेस है। ठीक है, अब इसमें हम कलर मिलाएंगे मशीन से। इसमें कितने शेड मिक्स करोगे आप? इसमें 4 शेड आएंगे। ओके, एक ग्रीन, अच्छा फास्ट ग्रीन, अच्छा इसमें आ गया एक ग्रीन, फास्ट ग्रीन, येलो ग्रीन। पेंसिल से कर सकते हैं। इसमें फास्ट ग्रीन 5 ml डालेगा, एक ग्रीन, फास्ट येलो 1 ml डलेगा, एच टी वाइट 71 ml डलेगा, और ऑरेंज डलेगा 22 ml। और इसका टोटल प्राइस जो आ रहा है वो आ रहा है 422 रुपये। एग्जैक्टली, ये कॉस्टिंग हमारी पड़ेगी, ये नेट रेट है। कलर को क्रिएट करने के लिए इसका जो फॉर्मूला है, ग्रीन फास्ट, फास्ट ग्रीन, ग्रीन
एच टी वाइट ऑरेंज। ओके, और इसका जो टोटल एक्सपेंड पड़ेगा वो पड़ेगा 4296। ग्रेट, चलो। वाओ, सच अ ग्रेट फार्मूला। ज़रा सोचिए, इन्होंने तो पूरा फार्मूला ही बता दिया है कि इस कलर को कैसे करते हैं। तो देखिए, यहाँ पे हमारा येलो जो बेस है, हमने इसको नीचे रखा, ठीक है, और ये मशीन से निकल रही है नंबर वन कलर। अभी जो कलर निकलेगा, जैसे वो फार्मूला में आपने देखा ग्रीन है और भी बहुत सारे शेड थे, वो धीरे 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 वो शेड जो है इस बॉक्स में, यू कैन सी हेयर, ओ वाओ, ये तो वाइट कलर नज़र आ रहा है। जी हाँ, येलो के अंदर थोड़ा सा वाइट मिक्स किया, कुछ क्वांटिटी ही मिक्स किया है इन्होंने, देख सकते हैं आप यहाँ पे, ठीक है। तो ये शेड है वाइट। अभी देखते हैं नेक्स्ट कलर। ओ, ये क्या है? अरे अरे अरे, ये तो ऑरेंज कलर है। वाओ, तो येलो में पहले किया आपने, और ये वाइट, फिर ऑरेंज, और ये जो शेड है हल्का सा इन्होंने ग्रीन मिक्स किया लास्ट में, आप देख सकते थे। एंड थोड़ा सा जो कलर है, आप देख सकते हैं नीचे गिरा हुआ था, यू कैन सी हियर। वाओ, काफ़ी इंटरेस्टिंग है ना, कितना सारा था, क्वांटिटी जो था येलो की ज़्यादा थी, और उसमें थोड़ा थोड़ा ड्रॉप डाल के ये कलर क्रिएट कर सकते हैं। वाओ, ये है ऑरेंज कलर का थोड़ा सा ड्रॉप जब नीचे गिर गया था, मैं वो सोच रही थी शायद ये इसमें इंक्लूड नहीं होगा, बट नो, व्हाट दे डिड इट आई रियली वांट टू शो यू। इन्होंने क्या किया, इतने थोड़े से क्वांटिटी को भी इसमें मिक्स किया। अगर वो नहीं मिक्स करते तो क्या होता, ऑफकोर्स वो कलर क्रिएट नहीं होता ना। अभी देखिए 70 से ज़्यादा परसेंटेज कितना है येलो की क्वांटिटी, उसमें थोड़ा सा क्या है ऑरेंज, ग्रीन एंड वाइट, और ये देखिए X223 एशियन पेंट का X223 जो है, ये है आंवला ग्रीन कलर, जो कि मैं अपने वॉल में कराना चाहती हूँ। तो देखिए, इसको इन्होंने इसको कैप से कवर कर दिया, और ये, अरे ये क्या, अरे ये तो अलग दूसरी मशीन आ गई। अब दूसरी मशीन के अंदर इन्होंने इस कलर को पूरा बना के इसको डाल दिया, और यू कैन सी हियर इसको टाइटली फिक्स कर दिया है शेक करने के लिए। शेक भी ऐसे नहीं कि हाथ से हो रहा है, देखिए पूरा मशीन से हो रहा है। मेरे लिए तो ये फर्स्ट टाइम था, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं ये वीडियो आप लोगों से भी शेयर करूँ, आप लोग भी देखो, इन्जॉय करो। तो ये देखिए, इन्होंने मशीन घुमा दी भैया, देखिए, वाओ, दैट्स ग्रेट, आई लव दिस। तो जैसे ये मशीन घूम रही है, तो मैं आपको एक चीज बताना चाहती हूँ फ्रेंड्स, कलर के बगैर ना लाइफ अधूरी है। सो गॉड ने तीन कलर्स क्रिएट किया, क्या, रेड, ब्लू और ग्रीन, है ना, रेड, ब्लू और सॉरी येलो, है ना, ब्लू, रेड और येलो, तीन कलर तो क्रिएट किया गॉड ने, और पूरे कितनी अनलिमिटेड कलर्स इस पूरे वर्ल्ड में है, है ना। तो अब ज़रा सोचिए, इसी तरह मैं आपको यही बोलूँगी कि अपने रूम को भी काफ़ी अच्छे से डेकोरेट कीजिए, अगर कलरफुल वॉल ना हो ना बात नहीं बनती। सो मैं एक वॉल में ऑरेंज करवा रही हूँ कलर, अपने लिविंग रूम में मेरा होगा ऑरेंज कलर, एंड अपना जो मेरा बेडरूम होगा उसका कलर होगा आंवला ग्रीन। सो रियली वांट टू शो यू दिस कलर आई एम गोइंग टू। सो देखिए, ये खोल रहे हैं हम इस बॉक्स को, अरे वाओ, सच ब्यूटीफुल कलर आंवला ग्रीन, एग्जैक्टली जो भी इन्होंने शेड कार्ड मुझे दिखाया था एग्जैक्टली उन्होंने वही क्रिएट किया, जस्ट इमेजिन, नाइस, आई लव्ड इट। तो ये सेकंड कलर जो है, ये है ऑरेंज, ऑरेंज को क्रिएट करने के लिए 70% इन्होंने येलो मिक्स किया था, और इसके अंदर क्या क्या, थोड़ा सा रेड मिक्स किया, और देखिए ऑरेंज क्रिएट हो गया। अच्छा, आप बताइए ज़रा कि ये जो कलर आपने क्रिएट किया है, तो ये काफ़ी अच्छे शेड्स है, और आजकल जो है क्या कलर वॉल के लिए हम अपने घर में यूज़ कर सकते हैं, बेडरूम के लिए, लिविंग रूम के लिए क्या कलर यूज़ कर सकते हैं, थोड़ा आप मुझे हमें आइडिया दे सकते हैं। मैम, एक्चुअली क्या है कि आप जो हमारे पास शेड्स हैं वो लगभग हमारे पास 20,000 शेड्स अवेलेबल हमारी शॉप पर अवेलेबल है। 20,000। ओके, जो पेंटर कलर अपने आप बनाते हैं तो उनके पास चॉइस नहीं होती है, तो कस्टमर को उतनी चॉइस मिल नहीं पाती। ओके, अगर आप हमारे स्टोर पर आएंगे तो वो सारे शेड हम आपको दिखाएंगे और सजेस्ट करेंगे, और आपको जो कलर फिर पसंद आता है वो हम अपनी मशीन से टिंट करके, वो शेड आपको मशीन से टिंट करके फिर हम आपको रेडी करके देंगे, जिसकी वजह से आपको एक परफेक्ट कलर मिलेगा
और आपका घर पहले से और ज़्यादा सुंदर। थैंक यू सो मच। जैसे मैं देखती हूँ कि लास्ट टाइम भी मैंने अपने रूम में एक पेंट कराया था और वो बस मैंने उनको एक शेड कार्ड दिखा दिया था तो उन्हें कर दिया था, पर इस बेटर कि अगर हमें कोई शेड अच्छा लगता है गूगल से हम सर्च कर सकते हैं और हम आपको दिखा सकते हैं और एग्जैक्टली आप वही शेड हमें क्रिएट करके देते हैं। थैंक यू सो मच। और इसके बाद आपका जो घर। जी हाँ फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो और ये ट्यूटोरियल जो इस भैया ने करके दिखाया कि कलर को किस तरह से मिक्स करके आप कैसे क्रिएट कर सकते हैं, अगर अच्छा लगा हो तो डेफिनेटली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर तो ज़रूर कीजिएगा जिससे बाकी लोग भी देख सके और एंजॉय कर सके। सो बाय गाइस, सी यू सून।